नमस्कार। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनावी रैलियों में महिला सम्मान और महिला अधिकार की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता उनकी बातों पर खरे नहीं उतर रहे। महिलाओं को लेकर एक बार फिर कांग्रेस नेता का चरित्र उजागर हुआ है। इस बार एमपी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के महिला नेता और पूर्व मंत्री इमरती देवी के लिए बिगड़े बोल सामने आए हैं। उन्होंने इमरती देवी को लेकर एक ओछी टिप्पणी की है। देखो, ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं कर रहा। जीतू पटवारी की गिनती यूं तो कांग्रेस के बड़े नेताओं में होती है। उन्होंने पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता इमरती देवी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। पत्रकारों के एक सवाल पर उन्होंने कहा, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया है, अब जो अंदर चाशनी होती है उसके लिए अब कुछ बाकी नहीं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी कांग्रेस नेता ने इमरती देवी को लेकर ऐसा बयान दिया हो। इससे पहले कमलनाथ ने इमरती देवी को आइटम कहा था। बीजेपी ने भी इस मामले में क्लास लगाई है। जीतू पटवारी के इस बयान पर बीजेपी ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। आशीष उषा अग्रवाल ने जीतू पटवारी के इस बयान को घृणित मानसिकता बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता महिलाओं में रस ढूंढते हैं। जिन जीतू पटवारी को बीजेपी की एक दलित नेत्री में रस कम नजर आता है, क्या वही जीतू पटवारी सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को भी इस नजर से देखते हैं? ऐसा क्यों है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महिलाओं को अपमानित करने के लिए नीच से नीच शब्द ढूंढ कर लाते हैं? महिलाएं दिग्विजय को, तंचमाल कमलनाथ को आइटम नजर आती हैं और इनका अनुसरण करते हुए जीतू पटवारी उनमें रस और चाशनी ढूंढने में लगे हैं। कांग्रेस का मूल चरित्र ही महिला विरोधी है। जीतू पटवारी की इस घृणित और निंदनीय मानसिकता पर लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी क्या राय रखती हैं, इस पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। पूर्व मंत्री इमरती देवी अपने बयानों को लेकर विवादों में रहती हैं। जब कांग्रेस को कई सीटों पर लगातार हार मिल रही थी तो डबरा सीट से लगातार दो बार कांग्रेस की टिकट पर इमरती देवी विधायक चुनी गई थी। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी का दामन थामा था। इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।